नमो विष्णुपादाय श्री गौर प्रियाय मूर्ते श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावादि खंडनम गुरारवर्णनम ननु कीर्तनम पाश्चदेशुपदेशकम् प्रसन्नो वदनम सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकम् शुद्धा भक्ति भगीरथम् भक्ति दैत्य माधव अभिन्नतनम् नमाम्यहम् नाम संकीर्तनमृत रसास्वाद विधायकम् कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिम् आचार्यं तं नमाम्यहम् गौरनाम प्रचारदार्थम भक्त सेवानुकांक्षिनम सतीत पीति सद्भावम नौमी तीर्थमाश्रयम नमो विष्णु पादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्ति दयित माधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्ना प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारिणे क्षमा गुणवताय गुरुवे प्रभवे नमः सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्ते सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती तिनामिने श्रीवास भानवी देवी दायिताय कृपावती कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंतारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसामोदे पादंबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरा शक्ति स्वरूपाय रूपाग भराय ते गौरविर्भावुमेश निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः जयदाम सुरद पंगर मम मंदा मते मत्सर्वस्वपदं भोजो राधा मदन मोनु दिव्यदृंदावनकल्पद्रुमाल श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री रघुवंद देव वैशाली भी सेव्यमान स्मरामि श्रीमान राजर सारंगी वंशी वटस्थित कर शान बेनु सनेर गोपी गोपीनाथ वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे
गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे त्रिणाओ पे खाती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे त्रिणा पे खाती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे त्रिणा पे खाती ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे त्रिणा पे खाती ना। सकल सहने बल दिया करो निज मने स्प्रिहा हीना। सकल सहने बल दिया करो निज मने स्प्रिहा हीना। सकल सम्मान करिते शक्ति देहो नाथ जता जता। सकल सम्मान करिते शक्ति देहो नाथ जता जता। तबे तक गाइबो हरि नाम सुखी तबे तो गाइबो हरि नाम सुखी तबे तो गाइबो हरि नाम सुखी तबे तो गाइबो हरि नाम सुखी। अपराध हबे हाथ अपराध हबे कृपा लभी आए जाना कृतार्थ है बे ना। अबे है ना कृपा लभी आए जाना कृतार्थ है बे ना। शक्ति बुद्धि ही आमी आती दी शक्ति बुद्धि शक्ति बुद्धि आमी आती दी शक्ति बुद्धि आमी आती दी करो मोरे आता साधा करो मोरे आता साधा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुमार करुणा सायोग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुमार करुणा सार। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले करुणा ना हले कांदिया कांदिया करुणा ना हले कांदिया कांदिया। प्राण राखीबो आरा प्राण राखीबो आरा। करुणा ना हले कांदिया कांदिया करुणा ना हले कांदिया कांदिया करुणा ना हले कांदिया कांदिया करुणा ना हले कांदिया कांदिया। प्राण ना राखिबो आरा प्राण ना राखिबो आरा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद सिटिंग कीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तोमा बिना दयालु जगत संसारे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन है तू पाइबे मौसम पातित प्रभु ना पाइबे दया कर नित्यानंद प्रेमानंद सुखी दया करो नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो कन कराया मी बड़ा दुखी कृपा बलो कन कराया मी बड़ा दुखी दया कर सीतापति हदित गोसाई दया करो सीतापति हदित गोसाई
चैतन्य नीता दया करो गौरा शक्ति पंडित गदाधर दया करो गौरा शक्ति पंडित गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद मोरे कृपा कर श्रीवासादि भक्त वृंद मोरे दया कर हाहा स्वरूप सनातन श्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया कर प्रभु पद श्री दयित दास दया कर पावन दया कर गुरुदेव पतित पावन दया कर गुरुदेव पतित पावन दया करो दिनय किंचन तब पद सेवा मांगे दिन किंचन हो तब पद सेवा मांगे दिनय किंचन तब पद सेवा मांगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे
तुम बिना के दयालु जगत संसार जय पंचतत्ता जय गौर हरि पंचतत्ता जय गौर हरि जय पंचतत्ता जय गौर हरि पंचतत्ता जय गौर हरि जय पंचतत्ता जय गौर हरि पंचतत्ता जय गौर हरि जय पंचतत्ता जय गौर हरि पंचतत्ता जय गौर हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो कृष्णा 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 हरे रामो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे हरि बोल हरि बोल हरे 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 हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद हो मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव गोविंद वो केशव माधव गोविंद वो केशव माधव गोविंद वो केशव माधव गोविंद वो मुकुंद माधव गोविंद वो मुकुंद माधव गोविंद वो हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल 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 हरे कृष्ण भीलनी मात्र 16 साल की नवयुवती थी और जंगल में वास करती थी। थी तो वो किसी बहुत बड़े राजा की पुत्री राजकुमारी थी, परंतु किसी कारणवश उसका राजमहल छूट गया और वो जंगल में आके निवास करने लगी। अनेकों तरह से उसका मन करता, देखती थी ऋषि मुनि साधु लोग अपना यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तरह तरह के क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसका मन होता कभी मैं भी इनकी सेवा करूं। वहां पर मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि वृद्ध हो गए, रोज संविदा के लिए लकड़ी लेने जाते थे जंगल में। अब वो वृद्ध हो गए तो भीलनी देखती थी, छुपके देखती थी, सामने नहीं आती थी। सुबह सुबह वो जाते और काफी समय लगा के लकड़ियां एकत्र करके लाते, तो भीलनी ने छुप के देखा कि ये तो वृद्ध है, इनकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए, भक्त है। तो भीलनी ने क्या किया, छिप के रात भर लकड़ियां इकट्ठी करती रही और लकड़ियां इकट्ठी करके सुबह जब वो निकलेंगे, उनके निकलने से पहले वो सब लकड़ियां इकट्ठी करके उनकी कुटियां के बाहर रख दी। अब वो जिस प्रयोजन से जा रहे हैं वो प्रयोजन तो पहले ही सिद्ध हो गया,
वो लकड़ियां तो उन्हें वहां मिल गई। तो एक दिन दो दिन कुछ दिन देखा उन्होंने रोज ऐसे लकड़ियां गठरी बंधी हुई सूखी लकड़ियां इकट्ठी होके वहां पड़ी हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए, देखा कौन करता है, भेंट हुई भिलनी से, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी उनके पास कभी दूर से पानी भर के रख देना और कभी लकड़ियां इकट्ठी करके रख देना। समय आया, ऋषि मुनि ज्यादा एक स्थान पर टिकते नहीं, उनके जाने का समय आया, वो जा रहे हैं। तो जब साधु के साथ संग हो जाता है, साधु के साथ संपर्क हो जाता है, तो साधु का विरह नहीं सह जाता। साधु जा रहे हैं, वो कहती मैं क्या कैसे अपना प्राण धारण करूंगी, मैं कैसे ये प्राण धारण करूंगी आपके बिना। तो बताते हैं कि आप घबराओ मत, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। आपके पास आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान आपके पास चल के आएंगे। तो मैं जा रहा हूं, अब इस कुटिया में तुम वास करना, तुम यहीं रहना। यहीं रह के उन्हें मंत्र दे दिया, मंत्र दे के उसको वहीं छोड़ दिया। भिलिनी वहीं पे अभ्यास करने लगी और रोज भगवान की प्रतीक्षा करती गई। और बात उन्होंने पूछा कि कैसे पहचानूंगी, क्या है, वो सब बात है। परंतु जो 16 साल की नव युवती है, उनको गुरु मंत्र मिला और बोला गया कि आपको भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति अवश्य होगी। वो 16 साल की नव युवती 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की, 10,000 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा की कि प्रभु आएंगे। किसकी बात पे विश्वास कर, ऋषि मातंग की, अपने गुरुदेव की बात पे विश्वास कर कि वो जरूर आएंगे। प्रतिदिन वो झाड़ू करती है, सारा रास्ता साफ करती है, बहुत सुंदर से झाड़ू देती, इतना बारीक, इतना माइन्यूटली झाड़ू लगाते ना, वो सारा झाड़ू लगाती है। खूब सुंदर पुष्पों की उसने वो बना रखी है, क्यारी बना रखी है, उसमें फूल तरह तरह के उगाए हुए हैं, फल हैं, मीठे मीठे फल हैं, फूल हैं, क्यों आएंगे। फूलों की माला बनाती है, रोज फूलों की माला बनाती है डेली, कितने साल तक, और ये सब हो रहा है। ये सब कहीं नोटिस होता है, ये कहीं सब कहीं रजिस्टर हो रहा है। गतिर्वर्ता, भगवद गीता में क्या बोलते हैं, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी, हर गतिविधि की, हर एक्टिविटी के साक्षी कौन है, प्रभु है। भगवान उसकी मन की इच्छा पूर्ति करने ओ कितने सालों बाद आए, कितने सालों बाद आए। तो धैर्य की प्रतीक्षा, कई बार क्या होती है, परीक्षा, धैर्य की परीक्षा होती है। अभी इसने गाया क्या, सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्प्रिहा हीना। क्या मतलब हुआ स्प्रिहा हीना, स्प्रिहा किसे बोलते हैं, इच्छा को, इच्छा को बोलते हैं। निज माने, अपने निज माने, अपने खुद का मान सम्मान की स्प्रिया छोड़कर सब कुछ सहन कर पाऊं, ये आप शक्ति दो गुरुदेव से, और तो कुछ नहीं मांगते। सब कुछ बढ़िया बढ़िया चले, A1 चले, भगवान राम 16 साल की उम्र है, आपकी तपस्या, आपसे मंत्र लिया, 6 महीने के अंदर अंदर दर्शन चाहिए, चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला।
तो भगवान धैर्य की परीक्षा करते हैं। पर बात यह है कि जो हमारे प्रभु हैं वो बहुत क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं एंड आई विटनेस हैं हर एक्टिविटी के, हमारी हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से वॉच करते हैं। हमने अच्छे से तैयारी करी श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में आने के लिए कि नहीं करी? हमने श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया नहीं दिया? कौन साक्षी है? संसार का कोई व्यक्ति ऊपर नीचे बोल सकता है, ऊपर नीचे देख सकता है, समझ सकता है, पर भगवान तो एग्जैक्ट बात जानते हैं। भागवत में ऐसे बोला कि हर एक्टिविटी भगवान कैसे देख रहे हैं, जैसे एक डाल पर दो पंछी बैठे होते हैं, एक पंछी जो कि एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, कर्म कर रहा है, दाना चुग रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, नेस्ट बना रहा है, जो भी कर रहा है, एक पक्षी वो, और दूसरा पक्षी क्या है, वो साक्षी है, वो केवल देख रहा है, केवल देख रहा है। भागवत में ऐसा है। सो वट एवर वी डूइंग सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज वॉचिंग अस एंड हीज, दोनों बातें ना, एक तो देख रहे हैं, एक करुणा सिंधु है ना, तो ये बात कभी झूठ नहीं हो सकती। भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, और इज मेकिंग अ स्ट्रांग, इज मेकिंग अ स्ट्रांगर, राइट। गौड़िया मठ तो ना भी होता तब भी भजन तो हो ही सकता था। हरि नाम करने के लिए मठ में आने की जरूरत है कोई? आप मठ में नहीं आते हैं, हरि नाम करते हैं घर में, कि मठ में जिस दिन आते हैं उसी दिन हरि नाम करते हैं? है, उस दिन भी करते हैं, तो मठ में आने की तो जरूरत नहीं है। श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ की जय, श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जय। मठ मंदिर बनाने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को निषेध किया गया था, मना किया गया था। किसने मना किया था? उनके गुरुजी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उनके पिताजी ने। उन्होंने बोला मठ नहीं करना। उनके पिताजी उनके शिक्षा गुरु भी थे, है ना, उनके गुरुजी भी तो थे, और उनके खुद के गुरुजी कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी। गौर किशोरदास बाबा जी ने कितने मठ किए थे? एक भी नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी ने एक भी मठ नहीं किया। ये मठ किसने बनाया? प्रभुपाद जी ने, हैं जी, हैं जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। गौर किशोरदास बाबा जी के कितने शिष्य थे? एक ही शिष्य थे। कितने मठ थे? एक ही मठ था, है, हाँ। उन्होंने कोई मठ नहीं किया था। कहाँ हरि नाम करते थे? कश्ती में बैठकर, बोट के अंदर बैठकर हरि नाम कर लेते थे। हरि नाम ही करना हो तो कहीं भी कर रहे हैं, परंतु उनका वास्तविक अभीष्ट किसने जाना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अभीष्ट जाना। अभीष्ट जाना मतलब उनके मन की बात जानी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने शब्दों में, भक्ति विनोद ठाकुर जी के शब्दों में ये बात है कि मठ बांधने से ह्रास हो जाएगा, लोग पैसे के लिए धन के लिए लड़ेंगे, मार काट होगी, ये होगा वो होगा, पर प्रभुपाद जी ने तो मठ बनाया। किस प्रयोजन को लेके बताया? अच्छा, मठ बना लेते
उससे बेटर कोई हॉस्पिटल ही बना लेते, कम से कम किसी की बीमारी तो दूर होती। कैंसर हॉस्पिटल बना देते, कोई फलाने मेमोरियल हॉस्पिटल, ढिमका मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत बने हुए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, स्कूल्स बनाने चाहिए थे। ये तो गलत काम किया उन्होंने, गलत किया। क्यों बनाए फिर मठ? अब तो बीमार होते हो तो हॉस्पिटल बाहर जाना पड़ता है। कई बच्चे जैसे छोटी उम्र में मठ में आते हैं वो भी स्कूल के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, स्कूल बनाने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, क्यों बनाए मठ? क्यों बनाए मठ? कहते हैं प्रभुपाद जी, हजारों लाखों सैकड़ों कितने भी मठ अपना हॉस्पिटल बनाने से, स्कूल बनाने से, कोई भी परोपकार करने से एक जीव को भगवत चरणों में, एक भगवत विमुख चरणों विमुख जीव को भगवत चरणों में लगा देना कहीं बड़ा परोपकार है, कहीं बड़ा परोपकार है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने फादर के साथ मेला में गया, फादर की उंगली पकड़ी हुई है और भीड़ है मेले में, बहुत भीड़ है। कभी वो देखता है पपेट शो, कभी वो झूले देखता है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, बड़ी जिद कर रहा है फादर के साथ, वो लेके भी दे रहा है, झूले भी दिला रहा है, सब कुछ, बड़ा खुश है, बहुत खुश है। अब इतनी भीड़ है, वो झूला लेने गया, झूला लेके वापस आया, उसको उसके पिताजी मिल नहीं रहे। इतनी भीड़ है, पुत्र को पिता नहीं मिल रहा, पिता को पुत्र नहीं मिल रहा। बच्चा छोटा है, 5-7 साल का बच्चा, क्या जानता है, रोना जानता है सिर्फ। वो रोने लग गया, बहुत रोया, दोपहर हो गई सुबह से, पिताजी नहीं मिल रहे, पिताजी को पुत्र नहीं मिल रहा, दोनों रो रहे हैं, दोनों तड़प रहे हैं। तभी वहां एक व्यक्ति आता है, रोता क्यों है, मेरे घर चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं, तेरे पिताजी कैसे हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं, मेरे पिताजी की तो मामूली दुकान है, ओ मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है, मेरे पास चल, तेरे को बहुत फैसिलिटीज दूंगा, रोल्स रॉयस कार के अंदर लेके चलूंगा। बच्चा जाएगा, वो अपने गरीब माँ बाप के पास ही जाएगा, गरीब पिताजी चाहिए उसको, उसको अमीर तो नहीं चाहिए। वो उसको झूले बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लग रहे थे, अब उसको झूले अच्छे लगेंगे? अब झूले अच्छे लगेंगे? झूले अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वो रो क्यों रहा है? अब वो पपेट शो अच्छे लगेगा? पपेट शो भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगता तो वो रोता क्यों? तो उस वक्त सबसे बड़ा परोपकार उसके लिए, बच्चे के लिए क्या था? अगर उसको उसके पिताजी से वापस कोई मिला दे, सबसे बड़ा परोपकार। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, भगवान कहते हैं आई एम द इटर्नल फादर टू ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। चित्कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्ण देखी कृष्ण करे ना आदर। क्या कृष्ण भूलिया? सही जीव अनादिर बहिर्मुख, भगवान को भूल के हम लोग कहां 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 नहीं भटक रहे। और साधु संगे निज तत्व अवगत हन, ओहे कृष्ण कांदिया बोलिया, कांदिया मतलब रो रो के बोलता है। ओहे कृष्ण अमितव दास, अमितव नित्य दास, तुम्हारा चरण छाड़ी होइल सर्वनाश, मैं तो आपका नित्य दास हूं। यह कैसे पता चलता है जीव को? कौन कराता है? भगवान, जीव, कौन कराता बीच में? साधु। साधु संगे निज तत्व अवगत हन, साधु बताता है बेटा तू यहां है, तेरे फादर वो है, दैट इज योर फादर, वो तुझे ढूंढ रहे हैं मेले में, मैंने भी देखा। तो वो मिलन साधु करा देता है, इसलिए मठ बनते हैं।
इसलिए मठ बनते हैं। एक जीव भी मठ से कहते अगर शुद्ध भक्त निकल के आ जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमारा काम बनाने का। वो इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के मठ बनाए, करोड़ों रुपए उत्सव पे खर्चे जाते हैं, लाखों रुपए खर्चे, अभी कार्तिक मास में पता नहीं लाखों करोड़ों का बिल बन गया होगा। किस लिए बन गया भाई? कोई एक व्यक्ति आपके जैसे निकल के आ जाए, एक व्यक्ति जो ये जान ले कि आमी सिद्ध कृष्ण दास, आमी नित्य कृष्ण दास, मैं श्री कृष्ण के दासों का दास, ये तत्व जो पहचान ले, इसी के लिए मठ मंदिर निर्माण होते हैं, इसी के लिए मठ मंदिर में शिक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना वो फलाने प्रभु जी तो ऐसा ठीक व्यवहार नहीं किया, फलाने प्रभु जी ने ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आ रहा है, मेरे किए हुए कर्मों का ही फल मेरे सामने आ रहा है। और जो भी भजन कर रहे हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे बेटर ही भजन कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी तो मुझे ही है। ठीक है, अगर सवा साल डेढ़ साल में श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में एक तानिश गुरु जी की अच्छे से सेवा करने में रत हो गया तो श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ बंद हो जाए चाहे कोई बात नहीं, काम हो गया। ठीक है, श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ की फाउंडेशन भी इसी पे है, कोई पर्सनल गेन नहीं है। मैं तो गृहस्थ हूं, आप लोग जानते हैं, कोई पर्सनल गेन नहीं है, रादर यहां पे बैठने के अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है ना, बोलते प्रोवर्ब है, अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, राइट, फॉरगेट अबाउट इट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर हियर बींग ट्रेन्ड अंडर द स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफ श्रील गुरुदेव। हाउ दैट इज हैपनिंग इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस इज हैपनिंग। हमारा टॉपिक, हम पिछले दो हफ्तों से दशावतार, दस अवतार, जो मुख्य दस अवतार, उनकी आलोचना, उनका अनुशीलन कर रहे हैं। सबसे पहले हफ्ते हमने मत्स्य अवतार, मीन अवतार भगवान का जो होता है वो, उसका हमने किनसे श्रवण किया था, किन्होंने बोला था, राधाकांत प्रभु से सुना, और कूर्म अवतार सुना गंगा देवी दासी से, फिर उसके बाद बरहा अवतार सुना हमारे राघव से, और उसके बाद निसिंग अवतार के बारे हमने श्रवण किया हमारे विशाल प्रभु जी से। आज तीसरा पाठ, दश अवतार का तीसरा पाठ कौन सा पहले श्रवण करेंगे हम लोग, पहले श्रवण करेंगे हम लोग, हाँ जी, वामन अवतार, और उसके बाद हम लोग श्रवण करेंगे परशुराम अवतार। दोनों अवतार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हमारा दुर्भाग है कि हम लोगों को फिल्म स्टार्स, फिल्म की स्टोरीज, फिल्म की एक्ट्रेसेस, फिल्म के डांसर्स, फिल्म के कोरियोग्राफर्स, फिल्म में मुक्का वाले जो सीन होते हैं वो सब याद रह जाते हैं, सब कुछ वर्ड बाय वर्ड, स्क्रीन बाय स्क्रीन याद रहता है, एवरीथिंग वी रिमेम्बर। बट कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग भगवान के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के पार्षदों के बारे में नहीं जानते हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा से हम लोग यहां सब इकट्ठे हुए हैं, और गुरुदेव आप सबको भेज देते हैं, आपके मन में प्रेरणा जगा देते हैं, आप लोग भी आते हैं जानने के लिए। तो आज पहला पंचम अवतार, वामन अवतार,
भगवान वामन का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ वो हम लोग श्रवण करेंगे। हमारी श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ की बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मानवी, इससे सुनते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम लोग सुनेंगे परशुराम अवतार के बारे में, तानिश हमारे प्रभु जी हैं उनसे। पहले मानवी बोलेंगी, दोनों को 20-20 मिनट का समय एलोकेट किया गया है। समय के अनुसार, समय को देखते हुए 20 मिनट में समाप्त करने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा। आ बेटा इधर वो दे दो, माइक दे दो। हरे कृष्णा। वामन अवतार दशावतार में से पांचवा अवतार जो है भगवान का वो श्री वामन अवतार है, और भगवान के 25 मुख्य लीला अवतार बताए जाते हैं, उनमें से वामन अवतार 18th अवतार है, और भगवान के मनवंतर अवतार भी होते हैं। वामन अवतार जो है वो इस मनवंतर का भी अवतार है। अब अवतार की कथा है कि त्रेता युग में दानवों में और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और वैसे तो दोनों असुर और देव दोनों ही स्टेप ब्रदर्स हैं। कैसे? कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक माता दीति और एक माता अदिति। अदिति माता के जो पुत्र हैं वो देव हैं, और दीति के जो पुत्र हैं वो असुर हैं, और दोनों में हमेशा युद्ध चलता रहता है किसी ना किसी कारण पर। तो अब त्रेता युग में जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो इस बार देवताओं की शक्ति अधिक थी और इंद्रदेव ने बलि महाराज को हरा दिया। बलि महाराज कौन है? असुरों के राजा जो है वो बलि महाराज है। और बलि महाराज जब हमने नरसिंह अवतार में सुना था तब हमने सुना था प्रहलाद जी के बारे में। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और उनके पुत्र हुए बलि महाराज। तो अब इंद्रदेव ने बलि महाराज जी का वध कर दिया, और उसके बाद उन्होंने प्रण ले लिया कि अब तो असुरों को छोड़ना ही नहीं है, जितने भी असुर हैं अब सबको मैं मार दूंगा। तो अब सृष्टि का देखरेख का जिम्मा तो ब्रह्मा जी के ऊपर है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि इस प्रकार बिना कारण ही ऐसे असुरों को मारना ठीक नहीं है, तो वो नारद जी को भेजते हैं और कहते हैं कि इंद्रदेव को इस प्रकार असुरों को मत मारे, अब ठीक है युद्ध हो गया, अब आगे इस प्रकार वध ना करें। तो फिर इंद्रदेव आगे रुक जाते हैं और वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। अब वहां से असुरों के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बलि महाराज को उनकी सेनापति जो होते हैं और जो सेना होती है उनको वो एक विद्या जानते हैं, मृत संजीवनी विद्या। उससे वो जो मरा हुआ होता है वो भी वापस जीवित हो जाता है, क्योंकि वो तो बड़े हैं, ऋषि हैं, तो उनके पास ये विद्या होती है। तो वो बलि महाराज जी को और सारे सेनापतियों को, सेनाओं को दोबारा जीवित कर देते हैं। और उसके बाद वो बलि महाराज जी से कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वजीत यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी शक्ति जो है वो वापस आ सके और तुम देवताओं से युद्ध करने के लिए समर्थ हो सको। फिर बलि महाराज जी सारा अरेंजमेंट करते हैं और विश्वजीत यज्ञ जो है वो करवाते हैं, और ये जो यज्ञ है वो भृगुवंश के ब्राह्मण करते हैं उनके लिए। फिर यज्ञ से उन्हें काफी प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त होते हैं और ताकत प्राप्त होती है युद्ध करने के लिए। फिर जब असुर ताकतवर बन जाते हैं तब वो देवताओं से दोबारा युद्ध करते हैं, और इस बार वो देवताओं को हरा देते हैं क्योंकि अब उनके पास यज्ञ की ताकत है, उनके लिए ही यज्ञ हुआ है तो उनके पास ताकत है, और इसीलिए अब वो हरा देते हैं देवताओं को सारी जगह। फिर बलि महाराज जी का ही राज वापिस आ जाता है, राज हो जाता है धरती पर, धीरे धीरे करके स्वर्ग लोग वो सब लोगों को जीतते जाते हैं। फिर ये बात इंद्रदेव तक पहुंचती है, तो इंद्रदेव जाते हैं देखने की अभी ऐसा भी क्या बल है बलि महाराज में अब आ गया एकदम से। तो वो देखते हैं और वो उनकी सेना के सामने खड़े भी नहीं हो पाते हैं, और वो अपने गुरु जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी उनके पास जाते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि एक कि बलि महाराज के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उन्होंने हमारा सब कुछ ही इस तरह से हरा दिया। तो बृहस्पति जी बताते हैं
कि असुरों के लिए भृगु वंश के जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और वहीं से उनको इतने अस्त्र शस्त्र दिव्य प्राप्त हुए हैं और इतनी ताकत प्राप्त हुई है। और भृगु वंश के जो वो ब्राह्मण हैं वो भगवान श्री हरि को प्रिय भी हैं, तो अगर तुम अभी उनके पास युद्ध करने जाओगे तो तुम नहीं जीत सकते, तो इसीलिए कोई भी देवता जो है वो मत जाए अभी युद्ध करने के लिए। और मेरी सलाह तो यही है कि तुम आकाश में छिप कर रहो और जो तुम्हारा राज्य है वो दे दो उन्हें और तुम अब पीछे हट जाओ। तो अब उनके गुरु ने ही ऐसा कह दिया, तो अब वो क्या करते, कैसे लड़ते, क्योंकि उनका समय अभी अच्छा नहीं है, वो जाएंगे भी तो हार जाएंगे। तो अब देवता आकाश में छिप कर रहने लग जाते हैं और सारी जगह बलि महाराज जी का राज्य हो जाता है। अब ये बात पहुंचती है देवताओं की जो माता है, माता अदिति तक। अब उनके पुत्रों का इस प्रकार से राज्य चला गया, वो घर उनका कोई रहा नहीं, तो माता को तो बुरा लगता है कि इस तरह से मेरे पुत्रों के साथ हो गया। तो माता जो है वो खाना पीना छोड़ देती हैं और अब उन्हें एक ही बात का ध्यान है कि कब जो है मेरे पति वापिस आएंगे, यानी कि कश्यप ऋषि वापिस आएंगे और वो ये सारी बात उनसे कहेंगी। बस अब खाना पीना छोड़ देती हैं, घर का हाल भी अच्छा नहीं रहता और बहुत दुबली हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो बस एक ही इंतजार करें कि कब ऋषि वापिस आएंगे और कब ऋषि वापिस आएंगे। हजारों सालों बाद जब कश्यप ऋषि वापिस आते हैं तब वो घर का हाल देखते हैं, माता का हाल देखते हैं, तो फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अनादर किया या किसी अतिथि का अनादर किया जो इस प्रकार हाल हो रखा है। फिर माता अदिति जो है बोलती है कि ऐसा नहीं हुआ और रो रोकर सारी बात बताती है कि इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो गया, जो मेरे पुत्र हैं उनसे तो उनका राज्य चला गया, और रो रोकर प्रार्थना कर रही है कि मेरे पुत्रों को राज्य वापस दिलवाओ। फिर कश्यप मुनि उन्हें ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि रखना कि ये मेरे मित्र हैं या ये मेरे शत्रु हैं, ये तब होता है जब जीव माया में ग्रस्त हो जाता है और वह शरीर में मैं बुद्धि रखता है। और इस प्रकार शरीर में मैं बुद्धि रखना और माया में ग्रस्त होना ही सारे दुखों का कारण है। इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि असुर हमारे दुश्मन हैं या देव हमारे पुत्र हैं तो वो हमारे अपने हैं। इस प्रकार शरीर में मैं बुद्धि मत रखो और तुम निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि का भजन करो। अब माता अदिति ये सारी बात इनके हृदय में तो धारण कर लेती हैं, पर फिर से उनसे रो रो कर यही प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे पुत्रों को राज्य वापस दिलवाओ, मेरे पुत्रों को राज्य वापस दिलवाओ। तो अब यहाँ पर देखने में ऐसा लग सकता है कि माता अदिति जो है वो मोह में ग्रस्त हैं अपने पुत्रों के लिए और इसीलिए ऐसी प्रार्थना कर रही हैं कि उनको राज्य वापस दिलवाओ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देवताओं की माता है, उनका स्थान तो बहुत ऊंचा है, वो कैसे माया में ग्रस्त हो सकती है। अब भगवान वामन का ही उन्हें ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि वो अब उनको अवलंबन कर लीला करना चाहते हैं, इसलिए वो ही ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि माता अदिति बार बार इस प्रकार की प्रार्थना करें। कश्यप ऋषि भी सोचने लगते हैं कि वैसे तो जो अदिति उनकी पत्नी है वो पतिव्रता है, आज तक एक बात भी उन्होंने उनकी ऐसी टाली नहीं, आज ऐसा क्या हो गया कि वो बार बार यही प्रार्थना करी जा रही है और यही प्रार्थना करी जा रही है। फिर कश्यप ऋषि थोड़ा विचार करते हैं और उन्हें भी यही विचार कर यही समझ आता है कि शायद अब भगवान वामन ही ऐसा लीला करना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार की प्रार्थना माता के द्वारा करवा रहे हैं। फिर वो अब माता से कहते हैं कि अब एकमात्र भगवान केशव ही तुम्हारी प्रार्थना को पूरी कर सकते हैं, इसलिए तुम केशव तोषणी व्रत करो। अब केशव तोषणी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, 12 दिन का व्रत है और इसमें बहुत कठिन नियम है। खाने में सिर्फ दूध ही लेकर उन्हें ये 12 दिन का व्रत करना है और 12 दिन भी कोई साधारण 12 दिन नहीं है। हमारे यहाँ का एक साल वहाँ पर एक दिन होता है, तो मतलब कि 12 साल का व्रत करना है और वो भी इतना कठिन, इतने नियमों के साथ। लेकिन माता अदिति पूरे नियमों अनुसार जो है वो 12 दिन का जो व्रत है वो करती हैं। जब उनका व्रत पूर्ण हो जाता है तब भगवान जो है उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि सही समय आने पर मैं तुम्हें अवलंबन कर तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। फिर कुछ समय बाद जो है भगवान सबसे पहले कश्यप ऋषि के हृदय में जो है प्रकट होते हैं। जब अवतार लेने का समय आता है तो उसमें सबसे पहले वो कश्यप ऋषि के हृदय में प्रकट होते हैं
और फिर जो है कश्यप ऋषि, ये जो दिव्य ज्ञान है ये माता अदिति को देते हैं दीक्षा के रूप में, और फिर भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो वहां से असुरों की शक्ति कम होने लग जाती है, क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं तो असुरों की शक्ति कम होने लग जाती है। तो जब उनकी शक्ति कम होने लगती है तो बलि महाराज सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, अब एकदम से हमारी शक्ति को क्यों इस प्रकार का प्रभाव पड़ने लगता है। तब वो प्रहलाद जी के पास जाते हैं। प्रहलाद जी क्या लगे, उनके दादा लगे, क्योंकि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और उनके पुत्र बलि महाराज। तो वो प्रहलाद जी के पास जाते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि हमारी शक्ति कम होने लगी। तो प्रहलाद जी थोड़ा विचार करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि भगवान वामन माता अदिति को अवलंबन कर प्रकट होने वाले हैं। अब बलि महाराज तो इतना जानते नहीं भगवान के बारे में, और वो ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे तो ऐसे वीर वीर योद्धा हैं, उनके सामने तो कोई नहीं टिक सकता, तो ये भी टिक नहीं पाएंगे। तो प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगता है और वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम बहुत जल्दी अपना राज्य खो दो। अब यहाँ पर प्रहलाद जी को गुस्सा आता है, पर प्रहलाद जी तो भक्त हैं, वो तो इंद्रियों के अधीन नहीं है, तो उन्हें गुस्सा भी इसीलिए आता है कि इसमें भी जो बलि महाराज है उनका आगे भला ही होगा। वो राज्य को खोकर भी जिस चीज को प्राप्त करेंगे उसको हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो बलि महाराज को वो इस तरह से कह देते हैं कि जाओ तुम बहुत जल्दी अपना राज्य खो दोगे। अब वहां पर कुछ समय बाद जब श्रावण मास की द्वादशी तिथि आती है और अभिजीत नक्षत्र होता है, तब भगवान वामन देव जो है सबसे पहले चतुर्भुज रूप में कश्यप ऋषि और माता अदिति के सामने प्रकट होते हैं, और फिर वो एकदम से जो है एक वामन अवतार ले लेते हैं, मतलब छोटे से जो है अवतार ले लेते हैं वामन अवतार। अब कोई साधारण अगर हम मनुष्य देखें तो वो कैसे छोटा होता है और रोते रोते पैदा होता है, पर ये तो भगवान है। और भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का प्रकट होना भी दिव्य है, इसीलिए वो एकदम से चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट होते हैं और फिर जो है अपना वामन अवतार ले लेते हैं। और जब भगवान वामन अवतार लेते हैं तो सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, और अब उनका जन्म संस्कार करना होता है। जब और उस उनके इस जन्म संस्कार में सभी देवता कुछ ना कुछ देते हैं, इंद्रदेव उन्हें छतरी देते हैं, कश्यप ऋषि उन्हें यहाँ पर बांधने के लिए, कमर पर बांधने के लिए वस्त्र देते हैं, उनकी माता उन्हें कोपीन देती हैं, सरस्वती देवी उन्हें रुद्राक्ष देती है, माता धरती उन्हें बैठने के लिए आसन देती हैं। इस प्रकार सभी कुछ ना कुछ उन्हें देते हैं और भगवान का वामन रूप जो है वो बनता है। अब इसके बाद उनके ये जन्म संस्कार हो गया, अब उन्हें भिक्षा करने के लिए जाना है। भिक्षा करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, और यज्ञ में बलि महाराज सभी जो ब्राह्मण हैं उनको दान भी देते हैं। तो अब वो जा रहे हैं, छोटे 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 से छोटे हो गए हैं एकदम, भगवान ने वामन अवतार ले लिया और छतरी पकड़ी हुई है और भगवान चल रहे हैं। तो पहले तो ऐसा लगता है कि छतरी चल रही है, जो भी और ब्राह्मण भी जा रहे हैं यज्ञ स्थली की तरफ, तो वो देखते हैं कि ये छतरी कैसे चल रही है। फिर जो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इधर तो कोई एक छोटा ब्राह्मण जा रहा है और वो यज्ञ स्थली की तरफ जा रहा है। छोटे से ब्राह्मण है पर सबसे तेज चलते हैं और सबसे पहले जो है वो बलि महाराज जी की यज्ञ स्थली तक पहुंच जाते हैं। अब किसी ने उनको बताया नहीं कि ये भगवान है या क्या है, परंतु वो भगवान है, तो उनको देखकर स्वतः ही जो सारे ब्राह्मण होते हैं और बलि महाराज जी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, और बलि महाराज जी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, कि मैं यहाँ पर ब्राह्मणों को दान देने के लिए हूँ और यहाँ पर ये यज्ञ भी चल रहा है, कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो भगवान वामन अभी उनसे सीधा मांगना नहीं शुरू कर देते, वो पहले क्या बोलते हैं, उनके वंश की प्रशंसा करने लग जाते हैं कि तुम तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वंश से हो, क्या वीर योद्धा थे वो, उसके बाद प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी तो महाभागवत हैं, पूरे जगत के जीवों के कल्याण करने के लिए उनका आप प्रकट हुआ है, उसके बाद तुम्हारे पिता जो विरोचन है उन्होंने कभी किसी को दान देने का जो वादा है वो तोड़ा नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम भी जो मुझे दान देने का वादा है वो नहीं तोड़ोगे, और इसीलिए मैं दान में तुमसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगता हूँ। 3 पग भूमि मतलब 3 पैरों में मैं जितनी भी जमीन नाप पाऊंगा उतना दान तुमसे मैं मांगता हूँ।
तो बलि महाराज को पहले तो बड़ा खुश होते हैं कि इतनी प्रशंसा करते हैं, और फिर उन्हें एकदम से हंसी आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम सिर्फ वैसे देखने में ही छोटे नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, तुमने इसीलिए सिर्फ 3 पग भूमि मांगी है। तुम सोच लो, विचार कर लो और ज्यादा अधिक मांग लो, क्योंकि मुझसे मांगने के बाद अगर तुम फिर कभी कहीं और भिक्षा लेने जाओगे तो उसमें मेरे नाम की बदनामी होगी, तुम अच्छे से विचार कर लो। लेकिन वामन भगवान अपनी बात पर रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। इच्छाओं का क्या है, अगर अभी मैं तुमसे अधिक मांग लूंगा, फिर पूरा जम्बूद्वीप मांग लूंगा, फिर पूरी धरती, फिर स्वर्ग, मेरी इच्छा तो कभी खत्म होती ही नहीं है। मैं तो वैसे भी ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे 3 पग भूमि दे दो। फिर बलि महाराज मान जाते हैं कि ठीक है, 3 पग भूमि दे देता हूँ। जब बलि महाराज इस बात को मान जाते हैं तब उनके गुरु जी जो हैं शुक्राचार्य जी, वो मना कर देते हैं और रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम इन्हें कोई साधारण मत समझो, ये तो स्वयं भगवान है और अवतार लेकर आए हैं वामन का। जैसे ही तुम इनको 3 पग भूमि देने का संकल्प करोगे, ये त्रिविक्रम रूप ले लेंगे और 2 ही पग में सब नाप लेंगे और तुम्हारे पास 3रा पग देने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बलि महाराज है वो अपने गुरुजी की बात को नहीं मानते। क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्हें नहीं माननी चाहिए अपने गुरुजी की बात, कोई माननी चाहिए। अब उनके जो गुरुजी हैं वो कह रहे हैं कि तुम भगवान को दान मत दो, और उन्हें बता भी रहे हैं कि ये भगवान है, तुम दान मत दो, तुम हार जाओगे अपने संपत्ति। तो क्या उन्हें अपने गुरुजी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? गुरुजी की बात तो माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, क्या करना चाहिए बलि महाराज जी को? मतलब गुरुजी की बात माननी चाहिए और भगवान की बात वो कर देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, अभी संकल्प करना है तो अभी। हाँ जी, आप बोलो। बिल्कुल सही। तो बात वैसे तो गुरुजी की माननी चाहिए, माताजी ने बोला, पर अगर गुरुजी ऐसे हो कि वो हमें भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं तो हमें उन गुरुजी की बात नहीं माननी चाहिए। तो बलि महाराज जी ने, क्योंकि अगर गुरुजी हमें शास्त्रों के, अगर कोई ऐसे हैं जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं, तो हमें उनकी बात नहीं मानना चाहिए। हमने जब गुरुजी के बारे में भी हमारी क्लास हुई थी तब भी हमने कहा था कि इस अवस्था में हम गुरुजी की बात का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सच शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो बलि महाराज जी भी ऐसा ही करते हैं और अपने गुरुजी से कहते हैं कि अगर तो ये वास्तविक में भगवान ही है, तो इनको अगर मैं इनकी उनको इनको ये दान देता हूं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है, इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य है नहीं। और अगर मैं मना कर दूंगा भगवान को, तो ये तो भगवान है, तो किसी ना किसी तरह से जो ये अपना कार्य करने आए हैं तो कर ही लेंगे और मुझसे ले ही लेंगे। और अगर ये भगवान नहीं है तो 3 पग भूमि देने में मेरी हानि भी क्या है, तो मेरे तो दोनों बातों में ही मेरा लाभ ही है, मेरी हानि है ही नहीं। तो बलि महाराज जी अपने गुरु जी की बात का त्याग कर देते हैं और वो संकल्प करने लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें अपराध नहीं करना है कि शुक्राचार्य जी को गलत समझना नहीं है यहाँ पर। अब देखो, शुक्राचार्य जी को पहले ही पता चल गया कि भगवान इस प्रकार की लीला करने वाले हैं, इसका मतलब उनकी भी जो है वो भी वैष्णव है, तो उनके चरणों में हमें अपराध नहीं करना है। भगवान अलग अलग पात्रों से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करवाते हैं बस, तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि और अपराध नहीं कर बैठना यहाँ पर। तो अब बलि महाराज जी जो है वो संकल्प करना शुरू कर देते हैं। अब दान देने से पहले संकल्प करना होता है ना कि ये दान मैं देना चाहता हूँ। तो जब वो संकल्प करने लगते हैं और वो कमंडल उठाते हैं तो शुक्राचार्य जी फिर उधर आ जाते हैं और उनका जल ही नहीं निकलता कमंडल से बाहर। फिर बलि महाराज जी जो है एक घास का तिनका लेते हैं और वो कमंडल में डालते हैं तो उनकी आंख पे लगता है। तो तब जो शुक्राचार्य जी हैं वो तब वो काने हो जाते हैं, मतलब उनकी एक आंख में लग जाती है। लेकिन फिर उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं कमंडल से। फिर जो है बलि महाराज जी संकल्प करते हैं और जैसे ही वो संकल्प करते हैं तो भगवान त्रिविक्रम अवतार ले लेते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं और 3 चरण हो जाते हैं भगवान के। और एक चरण में वो
ऊपर के सब लोग नाप लेते हैं और दो चरण में दूसरे में नीचे के सारे लोग नाप लेते हैं, दो ही चरण में वो 14 भुवन तीनों जो है वो त्रिभुवन नाप लेते हैं। जब भगवान ऊपर का जब लोग नाप रहे होते हैं, तब जब वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, तब वहां पर जो ब्रह्मा जी हैं, वो जब ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का चरण पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी उनके चरण धुलाकर अपने कमंडल में जल रख लेते हैं और बाद में वही जो है वो गंगा देवी बनती है, यानी कि गंगा का वहीं पर अवतरण होता है जब भगवान के चरणों से इस प्रकार गंगा जी का अवतरण होता है। अब तीसरा चरण रखने के लिए जगह ही नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं बलि महाराज से कि तुमने तो मुझसे वादा किया था, अब मुझे स्थान दो तीसरा चरण रखने के लिए कि मैं कहाँ पे रखूँ। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरा सारा राज्य चला गया, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी बात पर खड़ा नहीं हो पा रहा और तीसरा चरण आपको रखने के लिए दे नहीं पा रहा। तो जो गरुड़ होते हैं भगवान के वाहक भगवान, तो वो क्या करते हैं, अब रस्सी से बलि महाराज जी को बांध देते हैं, नाग की रस्सी होती है और उससे बलि महाराज जी को बांध देते हैं। अब तीसरा चरण रखने के लिए स्थान नहीं है, तो अब जो बलि महाराज जी की जो पत्नी है विंध्यावली, वो कहती है, वो थोड़ी भक्तिमती होती है और वो बताती है कि तुमने अपना सारा राज्य तो दे दिया, कि तुमने स्वयं को समर्पण किया भगवान को। तो बलि महाराज को उनकी बात अच्छी लगती है और फिर वो भगवान को अपने आप को ही भगवान को दे देते हैं कि अब तीसरा पग मेरे शीश पर धारण करो, मेरे सर पर रखो। तो यहाँ पर जब प्रहलाद महाराज जी के हम नवदा भक्ति करते हैं तो उसमें हमें करते हैं आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन में हम श्रेष्ठ किन का एग्जाम्पल देते हैं, बलि महाराज का, क्यों उन्होंने इस प्रकार आत्मनिवेदन किया। और यहाँ पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें भी कोई जागतिक वस्तु भगवान से नहीं मांगनी चाहिए और हमें भी स्वयं को ही समर्पण करना चाहिए। तो अब भगवान वामन देव बहुत प्रसन्न होते हैं इस जब बलि महाराज आत्मनिवेदन कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, पहले तुम देने वाले थे, अब मैं देने वाला हूं और अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि महाराज उनसे कोई प्रार्थना, कुछ जागतिक वस्तु नहीं, जगत की कोई वस्तु नहीं मांगते और उनसे यही कहते हैं कि जिस प्रकार आपने अभी मेरे सर पर अपना चरण रखे हुए हैं, इसी प्रकार बस आपके चरण मेरे सर पर रहें। और वो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं और कोई जगत की वस्तु नहीं मांगते हैं। और जब बलि महाराज इस आत्मनिवेदन करते हैं तो प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था तो प्रहलाद जी को तो उन्होंने अपनी गोद में बिठाया था, पर कहते तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने अपने चरण ही रख दिए, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे ऊपर तो स्वयं चरण रख दिए भगवान ने अपने। प्रहलाद महाराज जी भी बहुत खुश होते हैं। फिर भगवान वामन, अब उन्होंने स्वर्गलोक तो जीत ही लिया, तो वो इंद्रदेव को वो स्वर्गलोक दे देते हैं और बलि महाराज जी को वो सूतलपुरी का जो है राज्य दे देते हैं और स्वयं अपने एक रूप में बलि महाराज जी के साथ सूतलपुरी में रहते हैं। अब सूतलपुरी भी कोई वैकुंठ से कम नहीं है, जहां भगवान हैं और उनके भक्त हैं, तो वो भी स्थान वैकुंठ ही है अपने आप में। बलि महाराज जी को राज्य दे देते हैं और इंद्रदेव को भी राज्य दे देते हैं और इस प्रकार वो माता अदिति की और कश्यप ऋषि की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वांछा करते रुभेश कृपा हरे कृष्णा। श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ की जय। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत पहले फर्क हो गया, बहुत पहले बड़ा ट्रांजिशन हो गया, पर मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर्स हो रहे हैं श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ को। जो लोग ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और रेगुलरली सुनते हैं, उनके अंदर एक मार्क्ड चेंज आता है, मार्क्ड इंप्रूवमेंट होती है।
हमारी मानवी बिटिया जो है इसकी एक एग्जाम्पल है। मुझे नहीं लगता शायद ही इसका कोई एग्जाम हो तो तब बात अलग है। इसने कोई शायद ही श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का कोई प्रोग्राम छोड़ा, कोई एक भी शायद नहीं छोड़ा। और शी यूज टू बी अ वेरी अटेंटिव लिसनर। और आज फर्स्ट डे है कि इसने पूरी कथा बोली है, नहीं तो थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कभी कुछ देती है। तो आज फर्स्ट डे इसने कथा बोली है। गुरु वैष्णव भगवान इस पर बहुत प्रसन्न हो। आप सब लोग इसका तालियों से स्वागत कीजिए। सब कुछ ये गुरु महाराज जी के ग्रंथ है दशावतार के नाम से। सब कुछ डिटेल्ड स्टोरी बिटिया ने एज इट इज बोल दी, याद ही रख के, देखना नहीं पड़ा। कंटेक्स्ट बहुत सुंदर। और यही तो काम है भजन में, यही काम है। गौड़िया वैष्णव जब भी कथा बोलते हैं अपने मन की बात नहीं बोलते हैं। मेरे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से ये लीला ऐसी है। आप कहीं देखें ना, मेरा तो अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव ऐसा। आपके अनुभव जीरो है, अनुभव आपका एक्सपीरियंस जीरो है। जो परंपरा द्वारा ज्ञान आया वो हमने एज इट इज कह देना है। जैसे पीछे से खाना बन के आया हमने मात्र परोस के दे देना है। एक पोस्टमैन का काम क्या होता है? पोस्टमैन तो केवल एक चिट्ठी डाकघर से उठाता है और जिसके नाम की चिट्ठी उस तक पहुंचा देता है। क्या वो उस चिट्ठी में कुछ लिखता है खुद? अपना अपना भी कुछ बता देता है कि भाई तुम्हें मनी ऑर्डर आया है, कुछ और आया, मैं भी कुछ ऐड कर देता हूं या कुछ डिलीट कर देता हूं। ऐसा नहीं होता ना। तो यही हमारा काम है। भगवान वामन के अवतार के बारे में आपने कथा सुनी मानवी से। कुछ पॉइंट्स हैं जो बोलने चाहिए। बोले नहीं जाते, कहीं मिसिंग है या कहीं बात है तो गुरुजी या पुष्पा भारती महाराज जी की कथा में हमने सुना, इसलिए आपको पॉइंट्स बताते हैं नोट करने के लिए। दो तीन बात। पहला तो इतने बच्ची ने बोला उसे सुतलपुरी का राजा मिल, राज्य मिल गया। सुतलपुरी क्या है? क्या है बेटा? हाँ, शाबाश शाबाश। देखो हमारा जो ये प्लैनेटरी सिस्टम है जिसे भूमंडल कहते हैं, है ना, वो किस तरह से है? ऊपर के सात लोग हैं और नीचे के सात लोग हैं। इन ऊपर के सात नीचे के सात के बीच में जो है ना, ऊपर के सात में सबसे नीचे जिसे मिडल प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं वो है अर्थ, भूमि। भू भू किसे बोलते हैं तानिश? अर्थ को। अर्थ को बोलते हैं मिडल प्लैनेटरी सिस्टम। इसके ऊपर प्रभु जी क्या होता है? भू, बीच में भूलोक के ऊपर है, हाँ, भू, भूवर, स्वर, महर, जनह, तप, सत्य, ऊपर के सात लोग। मरकरी, वीनस, प्लेटो या प्लूटो को नहीं, ठीक है, ध्यान सुनो। एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? भू, भूवर, स्वर, महर, जनह, तप, सत्य, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और उसके बाद महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम है, हायर प्लैनेटरी सिस्टम है। मिडल में क्या आ गया? भूलोक, भू अर्थ। और नीचे आ गया क्या? अतल, वितल, सुतल। सुतल वही, सुतल का राज्य किसने दिया गया? बलि महाराज को, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए, ध्यान रहता है। ये तो हो गया पर समझ तो आना चाहिए ना। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सेवन प्लैनेटरी सिस्टम्स। किनको बोलते हैं? लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स।
नीचे के लोग है ना, जब उनको ले लिया उन्होंने, क्या कहते हैं, भगवान ने ले लिया, पहले नीचे ऊपर सब कवर हो गया, अब कहां जाए। फिर बिंद्यावली जो कि बलि महाराज की वाइफ थी, है ना, अच्छी वाइफ अच्छी मति देती है, अच्छी वाइफ अच्छी मति देती है। वाइफ ने मति क्या दी है, ये तुम्हारा शरीर भी तो एक तरह का क्षेत्र है, शरीर को भी तो एक क्षेत्र माना गया है, तो ये तो तुमने दिया ही नहीं, अपने आप को दिया ही नहीं। आत्मनिवेदन तुआ पद कोरी हईनु परम सुखी, दुख देर गेलो, दुख दूर गेलो, चिंता न रहिलो, चौदी के आनंद देखी। चौदी के मतलब 14 भुवन, 14 कौन से, यही वाले जो आपको बताएं, भू भुवर स्वर महर जना तपा सत्य नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। 14 भुवन कौन से, कोई खड़े होकर बोलना चाहेगा, कोई पेनल्टी तो नहीं है गलत बोलने पे, 14 में से 4 बोल ले तब भी चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे कोई आएगा ही नहीं, नहीं तो फिर। और कथा में हमने क्या सुना, कथा में हमने जो सुना उसके अलावा आपको बताते हैं दो बात, हमारे पूज्य भारती महाराज जी की बात बताते हैं। गुरु जी भी बोलते थे पर उनकी बात मुझे याद नहीं, पूज्य भारती महाराज जी की बात जो बात है वो मैं आपको बताता हूं। पूज्य भारती महाराज जी बोलते थे शुक्राचार्य जो है वो असुरों का देवता है, असुरों का गुरु है, असुरों का गुरु है। अंकित, एक असुर है एक सुर है, एक देव है एक दैत्य है, एक ही पिता की संतान है। कश्यप ऋषि थे, उनकी कई वाइफ्स थी, मैनी वाइफ्स है ना, वो बड़ी लंबी कथा है। उनमें से दो स्त्रियां जैसे दिति अदिति, दिति से कौन हुए दैत्य, कश्यप ऋषि और दिति से कौन हुए दैत्य, और कश्यप ऋषि और अदिति से कौन हुए देवता। पहले तो इतना इंद्र ने उत्पाद उसको इतना कर दिया, सारों को खत्म कर दिया जितने असुर हैं, एकदम उनको बलहीन कर दिया। इसने बच्ची ने अगर ध्यान से सुना हो अपने कथा में, बलि महाराज का वध हो गया था, मार दिया था उनको इंद्र ने, सेनापति उनके मर गए, फिर पुनः किसने जीवित किया, शुक्राचार्य ने। एक बात, गुरु शुक्राचार्य पुनः जीवित कर दिया। अभी ये दैत्यों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, ठीक है। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी क्या बताते थे, कहते थे जो ये असुरों के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, इनका जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनसे भी ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है, ये गुरुतर हैं, शब्द यूज होते हैं गुरुतर। शुक्राचार्य की स्थिति देवताओं के गुरु बृहस्पति से भी ऊंची है। कैसे, इतनी भरी सभा में एक ब्राह्मण, छोटा सा नाटा सा ब्राह्मण कुछ बांगने आ गया और पूरी भरी सभा में कोई उन्हें पहचान नहीं सका, एकमात्र शुक्राचार्य पहचान गए। किनको पहचाना, भगवान को पहचाना, ब्राह्मण को नहीं भगवान को पहचान लिया, ये भगवान है। देखो शिष्य का वात्सल्य कितना, इतना वात्सल्य शिष्य के प्रति कि अपना आकार छोटा करके कमंडलू के अंदर, उसकी नोजल होती है ना, नोजल के अंदर घुस गए। कमंडलू देखा आपने कभी, सात लोगों के पास होता है, उसमें
एक वो नाल सी रहती है उसमें से पानी निकलता है, तो उन्होंने जैसे ही बलि महाराज ने पानी लेने के लिए अपना कमंडलू टेढ़ा किया, गुरु शुक्राचार्य उसमें जाके बैठ गए। इतना शिष्य वात्सल्य। फिर जब ये बिटिया ने बताया कि उन्होंने सुतलपुरी दे दिया, सुतलपुरी क्या मतलब, हां तो वो दे दिया, तो अब वो कहते हैं शुक्राचार्य गुरु को, भगवान बामन, वो कहते हैं शुक्राचार्य जी अब तो आपका जो ये शिष्य है ये बहुत कमजोर हो गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, बलहीन श्रीहीन हो गया, आप कुछ ऐसा करो कि ये दोबारा से बलशाली हो जाए, सब कुछ अपना वापस प्राप्त कर ले, आप कुछ ऐसा करो शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य ने क्या कहा, कहते हैं शुक्राचार्य जी ने क्या बोला, कहते हैं जिसने साक्षात आपका दर्शन कर लिया हो, हे प्रभु भगवत तत्व वेत्ता कोई ऐसा बोल सकता है, जो भगवत तत्व समझ गया, भगवान को समझ गया वो ऐसा बोल सकता है, भक्त बोल सकता है। शुक्राचार्य क्या बोलते, इन्होंने साक्षात आपका दर्शन किया, साक्षात आपका श्री चरण इसके सर पर निवास कर रहा है, आपके नाम की महिमा इसने बोली, इतना आपका गुणगान कर पाया और इसको बलशाली श्री कर वापस इसकी दिलाने में और क्या कमी रह गई, इसके पास तो सब कुछ प्राप्त हो गया, जिसके पास भगवान के श्री चरण प्राप्त हो गए उसका कुछ बाकी रह गया। श्योर अंकित, जिसको भगवान के श्री चरण प्राप्त हो गए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान की सेवा प्राप्त हो गई, उसके लिए और कुछ प्राप्ति के लिए करने के लिए बाकी रह गया? पर अभी तो मैंने इंजीनियरिंग खत्म करनी है, उसका लास्ट दो सेमेस्टर में मेरी कंपार्टमेंट आ रखी है, उसका क्या करूंगा, वो तो भगवान आके नहीं देंगे, अभी तो मेरी कंपल्शन वहां है, मेरी एक अच्छी सी जॉब लगनी है, एक अच्छी सी गर्ल को फाइंड करके मैंने अपनी शादी करनी है ना, अभी बहुत काम पड़े हैं, अभी मैं भक्ति लाइन में लग जाऊंगा, साधु के पीछे लग जाऊंगा, मैं तो जीवन बर्बाद कर लूंगा अपना। अभी भगवान आ जाएं आपके सामने और अपनी भक्ति देना चाहें, आप भक्ति भी लेंगे कि भी संसार में थोड़ी जिम्मेवारी तो है, वो भी तो करनी है। खैर शुक्राचार्य जी की जो अवस्था वो ये अवस्था कि वो भगवान के श्री चरण उनको प्राप्त हुए, उन्होंने अपना बलि महाराज को प्राप्त हुए, और शुक्राचार्य जी की महानता की वो सब भगवत तत्व वेता थे, सब जानते थे, इसलिए शुक्राचार्य की पोजीशन बृहस्पति से भी ज्यादा अकॉर्डिंग टू पुष्पा भारती महाराज। दूसरी बात, ये जो बलि महाराज और भगवान वामन का प्रसंग है, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग, और जो हमारे यहां कितने त्योहार आते हैं उनमें से एक त्योहार आता है रक्षाबंधन, उसके अंदर भी ये प्रयोग होता है। जब बलि महाराज जी के पास भगवान वहां पे रहे तो लक्ष्मी जी उनके पास आई कि अब इनको जाने दो, मेरे प्रभु आपके साथ प्रॉमिस किए कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको जाने दो, मेरे लिए मेरे पास वो करना है। तब उन्होंने उनके हाथ में एक धागा बांधा और धागा बांध के उनसे प्रण लिए कि आप आज से मेरे भाई हैं, भाई का कर्तव्य है बहन की रक्षा करना, और तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है इस परिपेक्ष में। ठीक है, ठीक है जी। हमारे यहां क्या मनाया जाता है, भैया बढ़िया सा सूट दिला देना, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिला देना, भैया आपने आ जाना है, मेरे यहां लंच करना है, डिनर करना है, ये करना है, ये चीज प्रधान है। ठीक है, पर अभी आपको बता दिया क्या परिपेक्ष है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सारा बता दिया। रक्षा बंधन में
इसका स्पेशल वो है रक्षाबंधन मंत्र। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधेगी तो एक मंत्र बोलेगी, क्या? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलहा। ये रक्षाबंधन जब भी बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है ये मंत्र बोलती है। क्या इसका मतलब है? जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधती हूं, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। ये कौन बोलता है? बहन बोलती है अपने भाई के लिए। ठीक है, एक रामायण से चौपाई है इसी वामन अवतार से रिलेटेड, बताया गया है किन परिस्थितियों में आप ये एक्टिविटी करें तब भी आप मंगल को प्राप्त करेंगे। वो एक्टिविटीज क्या हैं? जैसे त्यजेयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजेयो क्रांत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। कहते पिता को प्रहलाद ने त्यज दिया, प्रहलाद ने पिता को त्यजा और विभीषण ने भाई को त्यजा, भरत ने महतारी अपनी मां को त्याग दिया, बलि ने गुरु को त्याग दिया। अभी बताया ना शुक्राचार्य के वचन नहीं मांगे, नहीं माने। बलि ने गुरु को त्याग दिया और कांत ब्रज बनिता, ब्रज बनिता मतलब ब्रज की गोपियों ने अपने स्वयं के पति को त्याग दिया। क्या इनका कोई नुकसान हुआ? तजेयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजेयो कांत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। क्या इनका कोई नुकसान हुआ? इनका फायदा हुआ, इनके लिए मंगलकारी ही रहा, ये करना मंगलकारी ही रहा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये कुछ बातें इसमें ऐड करी, बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, जो कुछ गुरुजी ने लिखा वो सब अच्छे से बता दिया, आप लोग को समझ आ गया। आज दशावतार का ये पंचम अवतार शेष हुआ, अगला अवतार परशुराम अवतार, तानिश बोलेंगे और हमारा राघव बोलेगा, ये दो बोलेंगे बच्चे। एक बारी बीच में थोड़ा कीर्तन के लिए समय है। अच्छा, नींद से जाग जाएंगे सब लोग। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
राज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंद जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंद जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंद जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः नमो महावदने कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेव नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। तो जो परशुराम जी का अवतार है वो 10 अवतार में से 6 अवतार है और हमारे 25 लीला अवतार होते हैं तो 25 लीला अवतार में से जो परशुराम जी का अवतार है वो 19 अवतार है। तो परशुराम अवतार को हम शक्तभेष अवतार भी कहा जाता है और इसका मतलब कि उनमें भगवान की शक्ति को संचार करना है, मतलब भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है और ये भगवान का ही अवतार है। तो परशुराम जी का अवतार है मतलब दुष्टों का दमन करने के लिए, जो राजा जो क्षत्रिय उनका दमन किया जाता है जो अधर्मी थे और जिनका उस टाइम में दमन करना बहुत जरूरी था धर्म के लिए। तो ये था मतलब परशुराम अवतार है क्या। तो परशुराम जी का आविर्भाव कैसे हुआ, ये ब्रह्मा के पुत्र हुए अति जी और उन्हीं की ही वंश परंपरा में थे गादी जी। तो गादी जी की कन्या हुई सत्यवती और सत्यवती की शादी हुई रीचक मुनि से। तो अब एक दिन क्या हुआ कि गादी की जो पत्नी थी और जो सत्यवती रीचक मुनि सत्यवती और गांधी जी की जो पत्नी है वो ऋचिक मुनि के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए, पुत्र की वो कामना कर। तो मुनि की साधना में तो बल है तो मुनि उनको एक चारू देते हैं। अब चारू का मतलब क्या कि कुछ खाने की ऐसी चीज जो चावल चीनी दूध को बॉयल करके बनाई जाती है, उसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा मतलब मुनि ने उनको बोला। तो उसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मतलब साधु ने मुनि ने उनको बोला। तो अब वो दो चारू देते हैं, एक सत्यवती को देते हैं और एक उनकी माता को देते हैं, मतलब गादी की पत्नी को देते हैं। तो उन्होंने जो चारू दिया होता है अगर वो सत्यवती खाएगी तो ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा और अगर वो उनकी माँ खाएगी तो क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन मुनि क्या करते हैं, चारू देकर स्नान करने के लिए चले जाते हैं और कुछ बताते नहीं है।
तो अब सत्यवती की माँ सोच अब सत्यवती की माँ सोचती है कि जैसे एक पत्नी का तो पति के साथ कुछ नेचुरल अफेक्शन तो हो गई, तो उसके मन में ऐसी शंका हो जाती है और वे ये सोचती है कि जो इन्होंने अपनी वाइफ को दिया है, जो मुनि ने अपनी वाइफ को दिया है वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा और उसमें ज्यादा बल होगा। तो वो क्या करती है कि वो सत्यवती के मतलब सत्यवती के आगे अपनी इच्छा प्रकट करती है और कहती है कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, और वो भी मान जाती है और वो एक्सचेंज करके खा लेते हैं। तो जब मुनि स्नान करके वापिस आते हैं और मुनि को ये पता चलता है कि इन्होंने एक्सचेंज कर लिया और खा भी लिया, तो मुनि बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहते हैं कि तुमने एक्सचेंज करके तो खा लिया, लेकिन अब जो सत्यवती का पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा, जो उनकी माता का पुत्र होगा वो ब्राह्मण तत्व का होगा। तो फिर सत्यवती प्रार्थना करती है कि क्षत्रिय पुत्र अगर होगा मेरा तो वो तो अस्त्र शस्त्र धारण करेगा, और सत्यवती कहती है कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, मतलब वो नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र अस्त्र शस्त्र धारण करे। तो उसकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन अब जो चारू खाया होता है तो वो तो फ्रूटलेस नहीं रहेगा, उसकी जो शक्ति थी वो तो बॉडी में चले गई। तो ऋचक मुनि उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो जो तुम्हारा ग्रैंडसन होगा वो तो पक्का ही क्षत्रिय होगा। तो जमदग्नि ऋषि के साथ उनका मतलब जो तो जमदग्नि ऋषि के साथ उनका विवाह होता है, और उनका जो सबसे वाला सबसे छोटा पुत्र होता है वो होता है परशुराम। तो परशुराम जी भगवान के ही अवतार हैं। 21 बार उन्होंने धरती को दुष्टों से विहीन किया होता है, और मतलब उनके उनके जैसा वीर तो कोई अभी तक और वो साक्षात भगवान का ही अवतार है। तो इसी के रिलेटेड एक श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है कि एक राजा थे कार्तिक वीर अर्जुन, जो बहुत पावरफुल थे और उनकी पावर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो वो विक्ट्री के लिए उनको एक मतलब वो अपने धरती को विजय करने के लिए निकलते हैं, और विक्ट्री के लिए तो उसको रावण मिलता है। रावण नर्मदा नदी के किनारे पूजा कर रहा होता है, अन्य देवी देवताओं की को प्रार्थना कर रहा होता है, और जैसे ही राजा नर्मदा नदी से निकलते हैं क्रॉस करते हैं तो नर्मदा नदी में एक हलचल होती है और रावण इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रावण को गुस्सा आता है, और रावण भी वीर है, वो किसी वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। तो वे ये सोचते हैं कि मैं ये राजा को मार दूंगा, मतलब कार्तिक वीर अर्जुन को मार दूंगा। तो इस चीज से मतलब यहां से हम उसकी शक्ति का राजा की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है कि उसने रावण को ऐसे हरा दिया जैसे कि एक बंदर को हराया हो, और रावण को ऐसे बंदर की भांति ही हैंग कर दिया, बांध दिया। और फिर वो मतलब पहले तो मार बांध दिया उसको, बंदर की तरह हरा भी दिया, और फिर उसको तरस खा के नीचे उतार देते हैं कि ये कैसा मतलब इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। तो उसके बाद कार्तिक वीर अर्जुन एक दिन क्या होता है कि वो शिकार के लिए निकलते हैं, और वो घूमते घूमते जमदग्नि ऋषि के यहाँ पहुंच जाते हैं, और ऋषि उनका अच्छे से स्वागत करते हैं क्योंकि राजा है और राजा अपनी सेना के साथ निकला है। तो वो मतलब ऐसे सेवा करते हैं कि हाँ उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने उस अच्छे से सेवा कर दी। तो उनके पास एक कामधेनु गाय होती है, तो वो राजा को बहुत अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं। तो राजा के मन में आ जाता है कि मेरे ऐश्वर्य से ज्यादा तो इस कामधेनु गाय का ऐश्वर्य है। तो अब उनके मन में आ जाता है कि मैं इसको अपहरण कर दूं और इसको अब ले जाऊं अपने साथ। तो जब वो ले जा रहे होते हैं और राज्य अपने राज्य की तरफ जा रहे होते हैं, तो जब उसका वो अपहरण करते हैं तो वो बहुत तड़पती है, मतलब वो गाय रोती है, और इससे पता चलता है कि वो जाना नहीं चाहती थी राजा के साथ। तो जब वो उधर पहुंचते हैं और ये बात मतलब जब राजा अपने राज्य में पहुंचता है और ये बात पता चलते चलते जमदग्नि ऋषि को पता चलती है, और उन्हीं से परशुराम जी को पता चलती है। तो परशुराम जी को ये अच्छा नहीं लगता, और वो अब कार्तिक वीर अर्जुन के यहाँ जाते हैं और युद्ध करने के लिए, और कामधेनु गाय को वापस लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ इनके मतलब रूप की ग्लोरिफिकेशन की गई है कि कैसा उनका रूप है, बिल्कुल सूर्य की तरह तेज है। उन्होंने डियर स्किन, एक हिरन की स्किन को वस्त्र मतलब उस चीज का बना हुआ वस्त्र धारण किया है, और बिल्कुल एक सुंदर क्षत्रिय अवतार है और उनके साथ वध करता है। तो राजा अपनी 17 अक्षुनी की सेना के साथ
उनके पास सेना थी और वो फिर भी परशुराम से वध करते हैं और परशुराम जी उनका वध कर देते हैं। तो अब एक बार ऐसा हुआ, होता क्या है कि एक ऋषि वशिष्ठ अर्जुन है जो मतलब उनके आश्रम में कार्तिकवीर अर्जुन उनके आश्रम में कार्तिकवीर अर्जुन की तीर की वजह से आग लग जाती है। तो वो उसे श्राप देते हैं और कर्ज कर देते हैं कि जमदग्नि का पुत्र होगा परशुराम, वो तुम्हारा वध करेगा और जो तुम्हारी 1000 बाजू है उन्हें भी वो काट देगा। तो जो कर्ज होता है वो कुछ इस प्रकार से पूरा होता है कि तू इतना वो इतना बुरा हाल कर देगा कि उनके जो 10,000 पुत्र थे वो भी डर जाते हैं और वो उधर से भाग जाते हैं। तो अब फिर जब परशुराम अपने पिता से मिलते हैं तो उन्होंने जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि यह तो तुमने पाप किया है, क्योंकि ब्राह्मण को तो एक ब्राह्मण की तो एक क्वालिटी होती है क्षमा कर देना, माफ करना। तो अब तुम जाओ और भगवान कृष्ण या फिर वासुदेव जी की उनको मतलब उनके उनके शरणागत हो जाओ और जो तुमने पाप किया है इससे प्रायश्चित हो जाओ, प्रायश्चित करो कि परशुराम जी 1 साल तक तीर्थ का दर्शन करते हैं और साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो परशुराम कैसा पड़ा, परशु एक बार ऐसा होता है कि शिव महाराज को उन्होंने प्रसन्न किया और वो उन्हें एक परशु देते हैं, इसलिए उनका नाम परशुराम हुआ। और दूसरा ये कि जब उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया उनके हाथ में ये परशु अटैच हो गया तो वो कैलाश गए तपस्या करने के लिए और प्रायश्चित करने को, तो अब उनका नाम परशुराम हुआ। तो जो नरहरि ठाकुर जी हैं उनका एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उनमें उन्होंने ऐसा बताया कि ब्रज में 12 वन है और उनमें से एक ही वन है, एक वन है काम्य वन। तो ये ऐसा मतलब ये स्थान ये ऐसा है कि परशुराम जी का ये निवास स्थान है और महाप्रभु भी जब अपनी यात्रा करने के लिए निकलते हैं प्रयाग से गोकुल की तरफ तो वो परशुराम जी के स्थान पर गए और उन्होंने और मतलब उधर वो जाकर आए। और जो इनका परशुराम अवतार का जो प्रणाम अंतर है उसमें भी कहता है श्री केशव द्रीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। तो भृगुपति इसलिए क्योंकि वो भृगु वंश की परंपरा से आए तो इसलिए उनको भृगुपति भी कहा जाता है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः हरे कृष्ण। ये इनकी जो एक कथा थी ये थोड़ी समझना कॉम्प्लेक्स है, इसका रीजन है इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। परंपरा पूरी बोली, उसके बाद बताया गाधी की बेटी सत्यवती, सत्यवती का विवाह हुआ ऋचिक मुनि के साथ, ठीक है। अब ऋचिक मुनि से तपस्या हुई तो उन्होंने वो मांगा, फल मांगा, जो यज्ञ का फल होता है वो मांगा। तो जब मांगा तो मां ने भी गाधी की जो वाइफ है वो भी है, एक फल उनके लिए और दूसरा फल पत्नी के लिए, जो कौन है, ऋचिक मुनि की पत्नी सत्यवती, तो दोनों के लिए फल है। तो ऋचिक मुनि स्नान करके आएंगे, आके वो देंगे, एक फल उसका है एक फल उसका है। जो गाधी है वो कौन है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का पुत्र क्या होना चाहिए था, क्षत्रिय। और ऋचिक मुनि की वाइफ थी सत्यवती, उनका पुत्र क्या होना चाहिए था, उनको किस तरह का फल देना चाहिए था, जिसको खा के उनके हम ब्राह्मण पुत्र हो, सब ब्राह्मणों का जो सदगुण है उनसे संपन्न हो। अब वो मां को आ गया लालच, गाधी की जो स्त्री है उन्होंने दिमाग लगाया कि ऋचिक मुनि ने अपनी वाइफ को ज्यादा फेवर किया हुआ, सत्यवती को ज्यादा बढ़िया फल दिया हुआ, तो मैं इसका वाला फल ले लेती हूं, इसको अपना दे देती हूं। तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो जो ब्राह्मण जहां पैदा होना था वहां क्षत्रिय वाला फल खाया गया, वो उसी तरह का वो संतान हुई, और जहां पे क्षत्रिय पैदा होना चाहिए था वहां ब्राह्मण के गुणों वाला व्यक्ति हुआ। तो ये इस तरह है बात, ये तो उनके परिवार की हो गई। उसके बाद सत्यवती का पुत्र कौन हुए,
बोलो, अभी आपने बताया एक मिनट है, जमद अग्नि, ये सप्त ऋषियों में से एक है, जैसे सात ऋषि ना उन्हीं में से एक है, सप्त ऋषियों में से एक, तो सत्यवती के वो पुत्र हुए। उसके बाद वो स्टोरी चलाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे थोड़ा। ये पांच पुत्र हैं किनके, जमदग्नि ऋषि और रेणुका के, है ना, ये पांच पुत्र हैं। पांचों में से सबसे छोटे कौन है, परशुराम जी। आगे चलें, आगे चलते। अब ये एक स्टोरी ऐसी आई कि रेणुका ने, ऋषि जमदग्नि अपना यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के लिए गंगा जल चाहिए, तो गंगा जल लाने अपनी वाइफ रेणुका का भेजा। रेणुका गई वो लेने, पानी लेने, तो वहां पे क्या देखा कि कोई गंधर्व है, इनका नाम है चित्ररथ। क्या नाम है? चित्ररथ। चित्ररथ वहां स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नहा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब रेणुका जी वहां देखती हैं तो देखती रहती हैं, स्त्री हैं, देखती हैं थोड़ी देर, उनके मन में भी भाव होता है, काम उत्पन्न होता है, परंतु देखते देखते उनको ध्यान आ जाता है, ओहो मेरे पति ने तो मुझे क्या लाने भेजा, पानी गंगा जल लाने भेजा, मैं तो लेट हो जाऊंगी। अब वो गंगा जल लेके वापस जाती है। उधर जमदग्नि ऋषि देख रहे हैं कि इतना समय हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं, अपने योग बल से वो जान लेते हैं क्या कर रही है वहां पे। देखते तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो जैसे ही वो आती हैं, तो जमदग्नि अपने पुत्रों को बोलते हैं, जान जाते हैं रेणुका क्या क्या देख के आई है, क्यों लेट हो गई। तो वो अपने पुत्रों को बोलते हैं, इसी क्षण इसका गला अलग कर दो, इसको मार डालो। जो पुत्र होते हैं वो अपने माँ को कैसे मारे, पुत्र तो वहीं खड़े रह गए, वो कैसे मारेंगे माँ को, खड़े रहे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तभी वहां पे परशुराम गए हुए थे, वहां पे उपस्थित हुए। जब आए परशुराम को पिताजी ने बोला कि देखो मैं इन तुम्हारे भाइयों को आज्ञा दे रहा हूं कि इसको अभी मार दो, तुम्हारी माँ को, ये मेरी बात नहीं मानते, और मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं कि तुम अपनी माँ को, माता को और अपने भाइयों को इसी क्षण मार डालो। परशुराम जी ने एक सेकंड भी विचार नहीं किया और अपने भाइयों को और अपनी माता को मार डाला। ठीक है, अब मार दिया तो उनके सबके सर धड़ से अलग हो गए। तो जमदग्नि ऋषि अपने पुत्र परशुराम पे प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी बात मानी, अब मुझसे जो वर चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो परशुराम जी ने क्या वर मांगा कि जिनको मैंने आप भी मारा है, जिनकी भी हत्या करी है, इनको आप पुनर्जीवित कर दीजिए, मेरी माता और मेरे भाइयों को। तो उन्होंने तथास्तु करके उनको भी पुनर्जीवित कर दिया। आगे चलो, वापस आ गए और आगे चल। तो हाँ जी, तो ऐसा बताया कि एक क्षत्रिय राजा जा रहे थे, तो जंगल में उन्होंने देखा कि इनके जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आपके पास कुछ खाने को, ठहरने को जगह है तो मुझे दीजिए। तो वो बैठे वहां पे ठहरे, तो ऋषि के यहाँ पे तो जो साधु महात्मा है उसके पास तो कुछ नहीं है, वो कैसे करे। पर उनके पास एक गैया थी, कामधेनु गाय सब तरह के अभीष्ट पूर्ण करने वाली, जो कामना करो वो दे देगी। तो ऋषि जो मांगते वो बढ़िया बढ़िया अन्न खाने को मिल गया। उसके राजा किसकी, कार्तवीर अर्जुन, उसकी बहुत सेवा करी, उसको बहुत तरह से खिलाया पिलाया। उसके मन में लोभ हो गया, ये तो ब्राह्मण है, इसके पास ही गाय का क्या करेगा, ऐसी गायें तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए, है ना। तो वो गाय उठा के ले जाते हैं जमदग्नि ऋषि को करके, जैसे भी मार के, क्या 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 है उसमें स्टोरी में, हाँ, जमदग्नि ऋषि को मार के वो लेके चले जाते हैं गाय को। परशुराम को पता चलता है,
उनको बहुत गुस्सा आता है, फिर वो उनको मारते हैं, फिर आगे उनकी संतानों के साथ झगड़ा होता है, उनको मारते हैं। पूरा जितना क्षत्रिय वंश है, एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परशुराम अवतार। आज हमारे ये जो दो अवतार हैं वो कवर हो गए। आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ। ऐसे तो राम चरितमानस में उनका भी प्रसंग भी आता है। परशुराम जी जब आते हैं तो लक्ष्मण जी क्रोध हो जाते हैं, उनका वो भी एक प्रसंग है। एक प्रसंग महाभारत से भी है, जब कर्ण के गुरु थे परशुराम जी, कर्ण के गुरु थे। कर्ण ने जितनी विद्या सीखी थी वो परशुराम जी से सीखी थी। तो वो भी प्रसंग है, अभी हट के प्रसंग से नहीं बोलेंगे। तो अब आज हम लोग दशावतार के दो अवतार ये और कर लिए। अब तक हम लोग 6 अवतार कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? निहारिका बता देगी फटाफट। ऑर्डर में बताओ ना, मीन अवतार के बाद कौन से किए थे? गीता आंटी ने क्या बोला था? हा है शुक्र, हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ है प्रहलाद अवतार। अच्छा अच्छा परशुराम, अच्छा हाँ शुक्र कह रही होगी, पर कह शुक्र गई। ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग दशावतार स्तोत्र पाठ करेंगे। आज हम लोग अपना कार्यक्रम यहीं शेष करते हैं। तत्पश्चात हमारी बिटिया जाह्नवी महामंत्र कीर्तन करके सुनाएगी आपको, है ना। पहले ये 10 अवतार हैं तो सभी पाठ नहीं करेंगे, पहले 6 अवतार हम कर चुके हैं इसलिए 6 ही पाठ करेंगे, है ना। सो दैट एटलीस्ट हम लोग दो 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 करके आगे चलें। ये दो दो क्यों करके आगे चल रहे हैं? ताकि दो श्लोक आप लोग याद कर सकें, है ना। ठीक है बेटा, आज 6 हो जाएंगे हमारे पूरे। हरे कृष्ण बोलो। हरि बोल। प्रलय पयधि जले धृतमान शिवेद विहित बहित्रचारेत्रमखेद। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेद विहित बहित्रचारेत्रमखेद। जय जय केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हितिरिहा विपुल तरेति सति तव पृष्ठे धरणि धारण किना चक्र गरिष्ठे। हितिरिहा विपुल तरेति तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किना चक्र गरिष्ठे। जय जय केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे जय जय केशव धर्म शरीरा जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशि निकलंक गले बनिमग्ना वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशि निकलंक गले बनिमग्ना जय जय केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल भरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्य कशिप तनु भृंग कर कमल भरे नख अद्भुत सिंह जय जय केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलय श्री विक्रम ने बलि अद्भुत वामन पद नक नीर जनित जन पाव चलय श्री विक्रम ने बलि अद्भुत वामन पद नक नीर जनित जन पाव जय केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिर मे जगद पगत पाप न पयसि पयसि समित भवताप क्षत्रिय रुधिर मे जगद पगत पाप पाप न पयसि पयसि समित भवताप जय जय केशव धृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धृता भृगुपति रूप
भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धीता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हो जय जगेशव द्विता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव धीता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश दशावतार स्तोत्र के 11 श्लोक हैं। 11 श्लोक में से हम लोग ने 6 कर लिए, 6 में से 6 पाठ कर लिए। आप सबके लिए, घर के लिए एक हफ्ते का काम है, कोई 2 नहीं तो कोई 3, कोई 4 नहीं तो कोई 6 के 6 सब लोग याद करके ग्रुप में भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिसको 2 याद हो जाए 2 भेज दीजिए, जिसको अच्छा लगता है और ज्यादा इसको करेंगे। एक इसका अर्थ हम लोग नेक्स्ट वीक समझेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे लीलाएं कर रहे हैं ना, तो अब लीलाएं करने के बाद अब अर्थ समझेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा हमारा पिछली बार रह गया था नरसिंह मंत्र का अर्थ करना। नरसिंह अवतार हमने अनुशीलन किया, पिछली बार पाठ किया, परंतु नरसिंह मंत्र का अर्थ करना हमारा रह गया। आज मेरे मन में था, आज भी समय नहीं है, तो अगले सप्ताह ये दोनों करेंगे, इनका अर्थ और नरसिंह मंत्र का अर्थ, तो अगले सप्ताह करेंगे। अभी महामंत्र संकीर्तन इस सैटरडे, इस ट्यूसडे, परसों, ये जो सेक्टर 31 में जगन्नाथ मंदिर है वहां पे पूज्यपाद भक्ति विकास वामन महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति प्रकाश सिद्धांति महाराज जी, इनके अनुगत में श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ की पार्टी, कीर्तन पार्टी शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक सेक्टर 31 जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे। वहां पे कीर्तन कथा का प्रोग्राम है, तत्पश्चात 8:30 बजे के बाद सबके लिए भंडारे की व्यवस्था भी है। एक सूचना। दूसरा सूचना, दिसंबर के आखिरी महीना या फिर जनवरी का पहला हफ्ता हम लोग गोवर्धन परिक्रमा का प्रोग्राम है हमारा, पहले से ड्यू था। जिन लोगों ने जाना है वो मेरे साथ, नहीं तो निताई के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उसी हिसाब से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, पहले से जो लोग जाएंगे उनका सीट 100% कंफर्म रहेगा, बाद में लास्ट मोमेंट पे कई बार नहीं हो पाता। 2 सूचना बस यही है। आज प्रोग्राम यही शेष होता है महामंत्र संकीर्तन के साथ, प्रोग्राम आज का यही शेष। अगले सप्ताह आगे यही टॉपिक दशावतार। हरे कृष्णा। जानवी आजा बेटा, जल्दी से आजा बेटा, है 5 मिनट, जल्दी से आजा, बैठ के कर लो, वहीं से कर लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare 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 Rama
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधा माधव जो की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरि बोल। जशोमती नंदना ब्रज वर नागर गोपाल Love.
Sure.
बल्ला वृंदावन नटवरा हेरा बल्ला वृंदावन नटवरा भक्ति विनोदाशया भक्ति विनोदाशया विनोदाशया भक्ति विनोदाशया नागर गोकुल रंजन गोकुल रंजन राधा माधव हे जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव हे जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हे जय जय कुंज बिहारी गोपी जन राधा राधा माधव 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 राधा माधव हे राधा माधव हे यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन जमुना तीर बन चारी कुंज बिहारी जमुना तीरा बन जारी कुंज बिहारी जमुना तीरा बन जारी कुंज बिहारी राधा राधा माधव 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 राधा माधव हे राधा माधव हे जय जय कुंज बिहारी जय राधा
माधव हे जगदीश बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राधा गोविंद राधा माधव भगवान यदि मुद्दन भगवान तुले जो नित्यावस्थाओं में भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज चौधर भक्ति सिद्धांत नसीम भक्त वाले पृष्ठ गोस्वामी जागृत भक्ति श्री प्रभुपाद छपा सतुपाद परमांश गौर के बाबा जी में सच्चिदानंद भक्त वैष्णव सर्व जगन्नाथ रूपानु गुरुवर्ग श्री रूप गोपाल भट्ट दास सर्वसंग प्रेम चैतन्य गौर भक्त राधा कृष्ण गोप वृंदावन धाम अनंत वैष्णव शुद्ध भक्त भक्त सिंहदेव प्रहलाद बिंदन जय चंडीगढ़ मठ जय भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी परम भक्ति गुमोत भक्ति जय श्री भक्ति भारती मा जय भक्ति भागवत भक्ति निष्किंचन जय भक्ति भक्ति विचार विष्णु वैष्णव बिंदु परिणाम हरिदर्शन भक्त बिंदु परिणाम संकीर्तन गौर